मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है, क्या वजह है? मैं एक अनुभव बताता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई थी और वो सच्चर कमेटी गुजरात आई थी, मैं मुख्यमंत्री था, तो सच्चर कमेटी के सारे मेंबर्स बैठे थे, मेरी सरकार के सारे अफसर बैठे थे और वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि मोदी जी आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो मैंने उनको जवाब दिया था मेरी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ भी नहीं करेगा। और फिर मैंने कहा लेकिन आगे सुन लीजिए, मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है और हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करेगी। मेरी सरकार गुजरात के सभी नागरिकों के लिए काम करती है और मेरी सरकार सब नागरिकों के लिए काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जब मैं कहता हूं कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा, अब मुझे बताइए क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं मुसलमानों का पक्का घर बनाऊंगा, फिर यादव मिले तो कहूंगा तुम्हारा पक्का घर बनाऊंगा, दलित मिले तो कहूंगा। जी नहीं, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों के, जब मैं कहता हूं मैं बिजली दूंगा हर परिवार को, हर परिवार मतलब 100%, मैं कहता हूं 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है मैं पहुंचाऊंगा, मैंने पहुंचा दिया। फिर मैं नहीं पूछता वहां कौन जनसंख्या है। देश के शासकों ने ये अलगाववादी विचारों से मुक्त होना चाहिए, देश को एक इकाई के रूप में, यूनिटी के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरी सारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रही है और उसको मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं। और इस बार मोदी लहर है, सुनामी बन गई है ये लहर, और इस बार फिर आएंगे तो मोदी, ये कहा तो जा ही रहा है लेकिन लगता है कि मोदी की सुनामी में जातीय गणित भी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि यूपी में मायावती और अखिलेश साथ आए, पर एग्जिट पोल की माने तो यहाँ गठबंधन का जादू नहीं चला है। भाई और बहनों, हमारी सरकार की नीति और नियत दोनों आपके सामने खुली किताब की तरह है। सबका साथ सबका विकास हमारा प्राण है।